यूपी के जनपद जौनपुर में तेजी बाजार पुलिस प्रशासन के द्वारा गरीब व असहाय लोगों को मास्क का वितरण किया गया। आपको बता दें कि इस मास्क को सराय विभार निवासी शिखा मौर्या के द्वारा बनाया जा रहा है। यहां शिखा मौर्या अपने सभी बहनों के साथ मास्क को बना रही हैं। इसके बाद मास्क को प्रशासन को दे रही हैं और प्रशासन के लोग इसको गरीब व असहाय परिवारों में वितरण कर रहे हैं। आज द दस्तक 24 की टीम में हमारे सहयोगी नरेंद्र मौर्य और राकेश कुमार शिखा मौर्य के घर पर पहुंचे और उनसे बातचीत की। शिखा मौर्य ने बताया कि किस तरह से हम लोग मास्क को तैयार कर रहे हैं और कहां कहां भिजवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी दस्तक 24। आज हम यहां पर बक्सा ब्लॉक के तेजी बाजार क्षेत्र में एक ग्राम सभा है मरगुपुर, यहां पर जो है पूरे देश में लॉकडाउन के चलते जो गरीब असहाय लोग हैं, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है कि मास्क वितरित किया जा रहा है। यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो सारी चीज प्रशासन के द्वारा यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। पूरे देश में लॉकडाउन के चलते जो है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है एसआई जो कि तेजी बाजार के हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि जो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा मदद दिया जा रहा है, किस तरह से दिया जा रहा है, कहाँ से उपलब्ध हो रहा है, तो सर बताएं। ये ग्राम भूतपुर में इस समय हम लोग मौजूद है, मुसार बस्ती में। दो लड़कियां हैं समाज सेविका केशा मौर्य, शिखा मौर्य, पुत्री लालता प्रसाद मौर्य, निवासी बसरहा के रहने वाली हैं। वो अथक प्रयास से दोनों लड़कियां डेली प्रतिदिन दो तीन व्यक्तियों का खाना चौकी पर भिजवाती हैं और मास्क खुद अपने हाथ से तैयार करके वो जनता की सेवा के लिए भेजती हैं। वो आज भी भेजी हैं, कल भी भेजी थी, कल भट्ठे पर वितरण किया गया, आज यहाँ मुसार बस्ती में दिया जा रहा है सभी को। या अभी सभी लोग मास्क लगाए, बीमारी से बचे, दूरी बनाकर रखें, सारी चीज़ें सबको बताया गया। गल्ला के बारे में पूछा गया, सभी लोगों ने बताया गल्ला हम प्राप्त कर चुके हैं, अगला गल्ला आने की इंतजार लोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि प्रशासन के द्वारा जो गरीब बस्तियों में मास्क बांटा गया है, यहाँ एक गरीब परिवार है जो कि इस मास्क को बना रहा है, जो कि इस महामारी में कोरोना के चलते मास्क की कमी हो गई है, जो कि एक मास्क जो है आप कि मार्केट में लेने जाएंगे तो कम से कम 100-150-200 रुपए का मिल रहा है, लेकिन ये लोग यहाँ के पूरे परिवार के लोग लगे हुए हैं कि पूरा मास्क तैयार कर रहे हैं और इसको प्रशासन के द्वारा गरीब बस्तियों में बंटवा रहे हैं। यहाँ पे शिखा मौर्या जी हैं जो इस पूरी टीम को चला रही हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। चलते हैं, शिखा मौर्या जी से बात करते हैं। बताइए, इसमें किस तरह से आपको मदद मिली है, कैसे आप लोग बना रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सर, यहाँ से तो हमको जो काम करने के लिए मदद मिली है, हमारे विधायक जी जो हैं रमेश चंद्र रमेश, उन्हीं के द्वारा सारा सामान हमको मिला हुआ है और हमारे जो गाँव के प्रधान हैं शैलेंद्र पांडे, उन्हीं के द्वारा पूरा मेहनत करके ये सामान हमारे तक पहुँचाया गया है, तो हम लोग उन्हीं लोग की हेल्प से ये काम कर पा रहे हैं। कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर, हम सब लोग मिला के 5 से 6 लोग हैं। पूरे परिवार के लोग? पूरा परिवार हमारे साथ लगा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे परिवार के लोग, जो कि हमें लगता है कि सारे बहनें ही हैं, एक साथ काम कर रही हैं और इनसे शासन प्रशासन से इनको मदद दिलाया जाए जिससे कि इनका काम आगे भी बढ़ता रहे। तो आप देख रहे थे दी दस्तक 24, कैमरामैन राकेश के साथ दस्तक 24 नरेंद्र कुमार। शिखा मौर्या एक गरीब परिवार से आती हैं। शिखा मौर्या कहती हैं कि यहाँ के विधायक रमेश चंद्र मिश्र के द्वारा हमें कच्चे माल को उपलब्ध कराया जा रहा है और इसे हम लोग दिन रात मेहनत करके तैयार कर रहे हैं। द दस्तक 24 कोरोना की लड़ाई में लगे ऐसे सभी समाज सेवियों, डॉक्टरों और पुलिस योद्धाओं को दिल से सलाम करता है। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।